नमस्कार, यमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की उनकी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस ने रविवार को एक संघर्षपूर्ण मैच में एकटेरिना मकरोवा और एलेना वेस्टिनिना की जोड़ी को हराकर WTA इटालियन ओपन में महिला युगल का खिताब जीता, जो कि क्ले कोर्ट पर उनकी पहली खिताबी जीत भी है। सानिया और हिंगिस की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने मकरोवा और वेस्टिनिना की सातवीं वरीय रूसी जोड़ी को डेढ़ घंटे तक चले मैच में 6-1, 6-7 और 10-3 से हराया और इस तरह से फरवरी के बाद अपना पहला खिताब जीता। विंबलडन, US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली सानिया और हिंगिस की निगाह अब फ्रेंच ओपन जीतकर लगातार चारों ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम करने पर लगी है। युवराज सिंह का T20 में एक ओवर में 6 छक्के मारने का कमाल भला कौन भूल सकता है। हालांकि युवी ने हाल ही में कैंसर पीड़ित बच्चों से वादा किया है कि वे फिर से अपने इस कमाल को दोहराएंगे। रविवार शाम या मैच के बाद युवी कैंसर पीड़ित बच्चों से मिलने पहुंचे। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में युवी ने नाबाद 42 रन बनाकर अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद को 60 विकेट से जीत दिलाई थी। युवी ने यहां 17 कैंसर पीड़ित बच्चों से बात की और उनके साथ वक्त बिताया। यही 8 साल के एक बच्चे ने उनसे पूछा कि क्या वे 6 छक्के मारने का कारनामा दोबारा करेंगे। इस पर युवी ने कहा कि आप दुआ करो, मैं फिर से 6 छक्के लगा दूंगा। मैक्स वर्स्टैपन रविवार फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा ड्राइवर बने, तो सहारा फोर्स इंडिया के सर्जियो पेरेज भी स्पेनिश ग्रांड प्री में 7वें स्थान पर रहे, जिससे उनकी टीम को 6 अंक मिले। पेरेज की टीम के साथी निको हल्केनबर्ग हालांकि रेस पूरी नहीं कर पाए और तेल के रिसाव और आग के कारण शुरू में ही बाहर हो गए थे। आज के 6 अंक से फोर्स इंडिया टीम चैंपियनशिप में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। किशोर ड्राइवर वर्स्टैपन मर्सिडीज के पहले लैप की दुर्घटना का फायदा उठाकर सबसे कम उम्र के फॉर्मूला 1 विजेता बने। रेड बुल की तरफ से पहली बार भाग ले रहे 18 वर्षीय वर्स्टैपन ने अपनी 24वीं F1 रेस में पहली जीत दर्ज की। तीसरे नंबर पर उतरे कृणाल ने केवल 37 गेंदों पर 7 चौकों और 6 दर्शनीय छक्कों की मदद से 86 रन बनाए। इस बीच उन्होंने मार्टिन गुप्टिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 8.2 ओवर में 98 रन की साझेदारी की। कप्तान रोहित शर्मा ने इससे पहले टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, जबकि आखिर में जोस बटलर और अंबाती रायडी ने 13 गेंदों पर 32 रन जोड़े, जिससे मुंबई ने 4 विकेट पर 206 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर Google Play में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।